बोरेक्स इज रिटर्न इज, अगर मैं बात करूं किसकी, बोरेक्स की, तो क्या बोला गया हमसे इसमें कि बोरेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है क्या Na2B4O7.10H2O, क्या फॉर्मूला होता है एजुकेटर्स, Na2B4O7.10H2O, यहां पर उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम देखें तो यहां पर हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, Na2B4 देन, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कैसा, Na2B4O7.2H2O, और बाकी कहां चले गए, बाकी 8H2O कहां चले गए, बाहर निकल गए। देन क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, Na2O.B4 देन यहां पर कितना हो जाएगा, O8 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, .8H2O लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na2O.B4O4OH4 लिख सकते हैं, .8H2O लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी क्या, कि फाइनली इसे क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली हम लिख सकते हैं इसे क्या, Na2, क्या लिख सकते हैं, Na2 साथ में क्या, B4O5 और साथ में क्या लिख सकते हैं, OH4.8H2O लिख सकते हैं। तो इसको बोरेक्स को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इससे हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आई होप जो ये बोरेक्स का आपको फॉर्मूला है, इसका मेन जो वर्जन है वो भी आपको पता होना चाहिए, साथ में इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर स्ट्रक्चर बनाते समय हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो आई होप एजुकेटर, जो ये इजी सा क्वेश्चन था, ये आप लोगों को समझ में आया होगा।